Hey there guys, I'm Yuvesh Devgan and you're watching Mix Up The World. अच्छा है, सर्दियाँ आ रही हैं, खुश रहने का मौसम आ रहा है। तो आज मैं तुम्हें एक जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे तुम्हें देख के तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कुछ भी क्यों, क्योंकि $1 million धीरम स्टूडियो। भाई तुम सारे अब साथ में चलो, लो मौज और वीडियो को पूरा देखा करो। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं भाई वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। वीडियो को पूरा देखा करो। क्या देखा करो? वीडियो को पूरा देखा करो। तो गाइस अभी मैं पहुंचा हूं अपने दोस्त के यहाँ, उसके स्टूडियो पे। तो आओ तुम्हें उसके स्टूडियो दिखाए। गाने की आवाज आ रही होगी तो भाई खोलियो। खुल नहीं रहा, खुल गया। हेलो सम्राट। अरे क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। और जो तुम ये बीट सुन रहे हो ना, ये इसी ने बनाई है। ये कैसी लग रही है बताओ भाई? कोई बात नहीं, हम गा लेते हैं आपके साथ। तो गाइस साथ देना है, ठीक है? ये रही इसकी वीडियोस, तुम जाके सब्सक्राइब करना है इसको। नाम है लिविंग लाइक सम्राट। आइए तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओगे। चलो कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब कोई सही है मत कहना कि कोई मिल गया वाली ट्यून चला दे, ठीक है? 2 seconds later we
जा रहे हैं नीचे, सम्राट भाई को लग रही थी भूख, इसने नहीं करा लंच। तो भैया क्या खिलाओगे बताओ? बिरयानी। बिरयानी भाई खिलो। बिरयानी भाई शमा। हेलो मैगी। भैया क्या ले रहे हो? शमा बिरयानी। स्टूडियो देखा ठीक है, सम्राट यार हमारे भाई ने प्ले किया इतना बढ़िया, हारमोनियम प्ले किया, ड्रम्स प्ले करे, खैर इसको कीबोर्ड वगैरह भाई सब कुछ ही आता है, इसको यूकेलेले है, गिटार है, सब कुछ आता है, वहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक गिटार है, सब कुछ आता है। और एक चीज आती है इसको, वो है किचन का काम। आओ दोस्तों, सम्राट की रसोई में आपका स्वागत है। ये हमारे खुद शमा भैया ने बनाई बिरयानी। नहीं दिखा रहा। हमें कुछ रंगीन बोतलें दिख रही हैं। तो बिरयानी खा लो गाइस, बिरयानी खा लो। नहीं खानी? ठीक है, हम खाते हैं, हम आपको टेस्ट बताएंगे। मैं बताता हूँ कहाँ मिलेंगे। इसके चैनल को जाके करो सब्सक्राइब, वहाँ पे इसकी जान खाओ, सारे सवाल करो, ठीक है। मेरे चैनल पे सब कुछ प्रोवाइडेड है, वैसे मैं चैनल में अपने लिंक्स में भी हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी, ईमेल आईडी सब देता हूँ, तो अगर मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आके मेरे से डीएम करो या मेरे को मेल करो। एंड आने वाले टाइम पे मैं अपने स्टूडियो इक्विपमेंट्स की पूरी मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी डालूंगा कि मैं क्या इक्विपमेंट्स यूज करता हूँ, कौन सी चीज़ मेरे को कितने की पड़ी। तो यू हर्ड इट फर्स्ट, क्या करना तुम्हें जाके? Subscribe. किसको? मुझे और उसे। Subscribe. तो गाइस अभी क्या हुआ कि मैंने ना सम्राट को मतलब ऐसे ना रैंडम बातों में इसने एक बात छेड़ी, क्योंकि ना ये प्रोड्यूसर भी है, गाने भी प्रोड्यूस करता है ये, इसने कर रखी ऑडियो इंजीनियरिंग, ठीक है। तो तुमने देखा होगा भाई इसका सेटअप वगैरह है प्रॉपर। तो अभी ये ना मेरे लिए ही एक गाना प्रोड्यूस कर रहा था, कि वीडियो के पीछे चलाने के लिए गाना प्रोड्यूस कर रहा था ये। तो हो गया कुछ 15-20 मिनट हुए हैं, गाना अच्छा रेडी किया था इसने, बहुत अच्छा मिक्स किया था, पर हुआ क्या कि ये ना इसने यामाहा के HS5 ले रखे हैं ब्लैक में। तो हैं भाई ये स्टूडियो लेवल के स्पीकर हैं, महंगे आते हैं, 35-40 हज़ार के आइटम है ये। इसमें क्या हुआ कि इसके स्पीकर में से थोड़ी सी ना जलने की स्मेल आई थी, और जैसे ही जलने की स्मेल आई उसके बाद से इसका लो और ट्रेबल में दिक्कत आ रही है, चटर बटर की आवाज़ आ रही है, ये सुनो तुम एक बारी। तो गाइस अभी ये गाना जो प्ले करने लगा है ये इसने हमारे चैनल के लिए, मेरी वीडियो के लिए प्रोड्यूस किया था, अब भी ऑन द स्पॉट बैठे बैठे, और एक मिक्स भी किया है, तो तुम ध्यान से सुनो, गाना बहुत अच्छा है, बीच में हो सकता है ट्रेबल में फटे, सुनो। कि भाई तुम्हारे मन में है कि भाई हो सकता है कि भाई जो ऑडियो प्रोड्यूस करी है उसी में दिक्कत हो, अगर हम दूसरे स्पीकर में चला रहे हैं तो बड़ी आवाज आ रही है, करिए सुना टाइम भाई। तो ये हुआ। तो भैया अब क्या सीन है, क्या करोगे? भैया नसीब से ये जो अपना स्पीकर है इसको भी एक साल हुआ नहीं, और यामाहा एक साल की वारंटी प्रोवाइड करती है, तो मैंने अभी अपने सप्लायर को फ़ोन किया है जिनसे मैं इक्विपमेंट सारे लेता हूँ, तो वो मेरे को भी बिल फॉरवर्ड कर रहे हैं, और फिर यही वारंटी पे जाएगा एंड प्रोबेबली बिना किसी असल के ये हमारा स्पीकर चेंज हो रहा है। सबसे पहले बता दो रीज़न कि ये स्पीकर ख़राब होने के रीज़न्स क्या हो सकते हैं।
जिसका बहुत माइनर एक रीजन होता है जो ज्यादा फर्क नहीं करता, वो है जब आप कोई भी म्यूजिक बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स को पता ही होगा दैट यहाँ पे एक बार होता है, यहाँ पे एक लिमिटर होता है जो होता है आपका गेन लिमिटर। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप गेन बहुत ज़्यादा ऊपर ना करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि गेन हद से ज़्यादा क्लिप ना हो रही हो, लाइक बहुत ज़्यादा ऊपर ना जा रही हो जीरो से। लेकिन इतना मैटर नहीं करता क्योंकि ये जो स्पीकर होते हैं स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं, नॉर्मल स्पीकर्स नहीं होते। स्टूडियो मॉनिटर में इतनी क्लिपिंग फैसिलिटी, मतलब इतना स्पेस होता है, मतलब इतना तुम्हारे पास लेवरेज होता है कि इतने छोटी छोटी क्लिपिंग से तुम्हारे स्पीकर के लगेंगे नहीं, वो ले लेता है। मेन रीजन स्टूडियो मॉनिटर खराब होने के होते हैं, बिना मॉनिटर बंद करे या बिना इंटरफेस को बंद करे, आपका जो जहाँ से मॉनिटर और आपका कंप्यूटर और मॉनिटर जुड़ रहे हैं, जो आपका इंटरफेस है उसके वॉल्यूम जीरो बिना करे, या फिर स्पीकर को बिना बंद करे, मॉनिटर को बिना बंद करे आप अगर तार छेड़ते हो, जैसे मैंने माइक लगाया, ठीक है, माइक लगा के मैंने सीधा इंटरफेस में लगा दिया और मेरी सीधा इंटरफेस में लगा दिया, सीधा इंटरफेस से निकाल दिया, तो एक आवाज होती है ना चटक करके एकदम से खींचे खटक करके, तो वो फ्रीक्वेंसी बाउंस होती है एकदम से, और वो इतनी मतलब एकदम से इतनी फ्रीक्वेंसी बाउंस होती है कि वो स्पीकर की लगा देती है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने ऑडियो इंजीनियरिंग नहीं करी थी, मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो मैं सीधा स्पीकर की पावर बंद करता था, मैं वॉल्यूम कभी भी जीरो करके नहीं करता था, मैं सीधा जैक डाल देता था, एक्सएलआर वायर सीधा डाला था स्पीकर में, मैं सीधा ये माइक की वायर सीधा इंटरफेस में डाल देता था, इवन गिटार भी मैं यही करता था। बट आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर इंटरफेस में लगा रहे हो, या इवन जब आप स्पीकर की एक्सएलआर वायर इंटरफेस में लगा रहे हो तब भी यही फ्रिक्वेंसी बाउंस होता है। तो आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब आप तार कभी भी छेड़ रहे हो, क्यों ना वो आपका स्पीकर हो या फिर माइक हो या गिटार हो, किसी प्रकार की छेड़खानी आप कर रहे हो, तो पहले वॉल्यूम को जीरो करो, या तो फिर इंटरफेस को बंद करो या वॉल्यूम को जीरो करो, वरना फिर ये बाउंस जो होती है फ्रिक्वेंसी की, ये मॉनिटर्स की लाइफ के लिए बहुत हानिकारक। हाँ, जैसे कई बार देखा है कि हम जब कभी कोई गाना वगैरह बजा रहे होते हैं डीजे वगैरह पे, लोग करते हैं एकदम से अपना फोन लगा देते हैं, जैक लगा के आवाज आती है। इवन बस मॉनिटर की बात नहीं है, नॉर्मल जो स्पीकर्स घर के भी स्पीकर होते हैं उनके साथ भी ये नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी ये बहुत उनके लाइफ के लिए खराब होती है। तो मेरे ख्याल से जो आज मेरा स्पीकर खराब हुआ है वो अभी की वजह से नहीं, बट हाँ स्टार्टिंग से जो मैंने गलतियाँ करी है कि मैंने एकदम से तारे वारे निकाली है और मैंने वॉल्यूम जीरो नहीं करी है, तो उस गलती की वजह से शायद आज जाके कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी हिट हो गई कि मेरे स्पीकर के लग गई। और हाँ गाइस, एक बात ये भी है कि मैंने सम्राट से तुम लोगों के लिए भी बात करी है कि 5 वीडियोस की प्लेलिस्ट निकाल लेगा क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट्स के साथ, मतलब तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो फ्री में इसके गाने, रेडी रहना आने वाले हैं बहुत जल्द। और स्पीकर ठीक हो जाए यार, स्पीकर ठीक हो जाए, सब्सक्राइब करना है तुम्हें, किसको करना है मुझे और इसे, क्यों तुम्हारे फायदे की बात है गाइस, बहुत फायदे की बात है, फ्री में गाने मिलेंगे। और इसको मैंने ये सारे चैलेंजेस दिए थे करने को, इसने कर भी दिया था यार, बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया था वो, उसको एक्सपोर्ट करके भेजी मेरे को। तो देखो भैया आगे क्या होता, अगर तो मैंने ब्लॉग यहीं पे एंड कर दिया, मतलब आगे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हो सकता है मैं यहीं पे एंड कर दूँ, कुछ दिखता दिख नहीं रहा आगे। A few moments later. वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं, काम हो गया इस वाले स्पीकर का, इसमें से आई थी यार जलने की स्मेल, सम्राट को नहीं आई थी, मेरे को आई थी। तो वीडियो करते हैं गाइस यहीं पे एंड, कुछ और कोई बात नहीं कुछ नहीं होता, अब कराएगा भाई ये रिपेयर कल जाएगा, तो मिलते हैं कुछ दिनों में, आपके लिए प्लेलिस्ट रेडी करेंगे, बहुत मटेरियल आ रहा है आपके लिए आगे, बहुत और भी नए क्रिएटर से मिल रहा हूँ मैं, टीम रेडी कर रहे हैं, बस तुम लोग करो लाइक सब्सक्राइब शेयर, और मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।